शिव और शक्ति के मेल से ही इस जगत की स्थापना हुई है। शिव को अग्नि और शक्ति को सोम या उमा कहा गया है। दोनों संयुक्त हैं, दोनों एक हैं। धार्मिक ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दुनिया में जो भी देखा, सुना और अनुभव किया जाता है वो सब शिव और शक्ति है। शिव नर है तो उमा नारी है, शिव ब्रह्मा है तो उमा वाणी है, शिव विष्णु है तो उमा लक्ष्मी है, शिव दिन है तो उमा रात्रि है, शिव सूर्य है तो उमा छाया है, शिव चंद्र है तो उमा तारा है, शिव यज्ञ है तो उमा वेदी है, शिव शास्त्र है तो उमा वेद है, शिव वृक्ष है तो उमा लता है, शिव पुष्प है तो उमा सुगंध है, शिव लिंग है तो उमा आधार है। शिव और शक्ति की इसी महिमा का गुणगान करती ये काव्य प्रस्तुति आपको अभूतपूर्व आनंद प्रदान करेगी, ऐसी हमारी आशा है। तो आइए आनंद ले शिव और शक्ति की इसी असीम महिमा का। देवों में जो महादेव देव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम अलख जगाते हैं। जो जगतारण कारण हर पल पल खेल रचाते हैं, पल पल खेल रचाते हैं, अपनी हर लीला से भक्तों का मन हर्षाते हैं, हाँ मन हर्षाते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई ये एक अत्यंत रोचक विषय है और रोमांचक भी। जीवों की रचना ब्रह्मा अपनी मानसिक शक्ति से किया करते थे। माता के गर्भ से तब शिशुओं का जन्म नहीं हुआ करता था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा ने केवल नरों की उत्पत्ति की थी, नारी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। यही तो एक बड़ी समस्या थी, एक अधूरापन। सृष्टि तो थी परंतु नीरस। एक कल्प की बात है प्यारी, प्यारी है चर्चा, करने लगे ब्रह्मा जी सृष्टि की वो जब रचना, बना बना के नर ही नर भूमि पे भेज दिए, सब अपनी आयु पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, बना बना जब मानव ब्रह्मा हार के अकुलाए, चिंतित हो बैठे कुछ भी तो समझ नहीं पाए, गूंज उठी आकाश में वाणी ब्रह्मा जी सुनिए, नर नारी सहयोग से मानव सृष्टि को गढ़िए, सुनकर वाणी ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी, जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी उलझन तो यही थी कि नारी की रचना कैसे की जाए, क्योंकि नारी की रचना करना एक जटिल कार्य था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया परंतु उनको सफलता हासिल नहीं हो सकी। अब इस विकट परिस्थिति में उनके पास केवल एक ही उपाय बचा, महादेव शिव शंकर, क्योंकि अगर वो प्रसन्न हो गए तो नारी की रचना अवश्य हो सकती है। तब तक सृष्टि में नारी का अंश हुआ ना था, ब्रह्म को नारी रचना का आभास तनिक ना था, हार गए ब्रह्मा जब नारी को ना रच पाए, सोच सोच हारे जब जावो शिव की शरण आए, ध्यान लगावो ओंकार मन ही मन उच्चारे, भोले बाबा को श्रद्धा भक्ति से पुकारे,
जग के पालक और नाशक उद्धार करो मेरा, ज्ञान की निर्मल भोर करो अंधकार हरो मेरा। ब्रह्मा जी जय शिव का उद्घोष लगाते हैं, हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूटधारी, जय भोले भंडारी, जय जटाजूटधारी, जय भोले भंडारी। शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ की। शिव को प्रसन्न करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि नारी यानी शक्ति शिव की अर्धांगिनी थी, और अगर शिव जी प्रसन्न हो गए तो उनके अर्धनारीश्वर रूप से नारी को प्राप्त किया जा सकता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योति स्वरूप सदाशिव, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सृष्टि की रचना तथा मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, परंतु सृष्टि का रचनाकार बनकर भी मैं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए परमेश्वर। वत्स ब्रह्मा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। सदाशिव, आपका ये रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। ब्रह्मदेव, ज्योति स्वरूप मुझ सदाशिव में शिव तथा शक्ति का यही अर्धनारीश्वर रूप अंतर्निहित है। प्रकृति और पुरुष की सम्मिलित सत्ता का नाम ही अर्धनारीश्वर शिव है, अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद जाने बिना तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, सदाशिव ही शिव हैं। शिव शिवा ही अर्धनारीश्वर रूप हैं। अभिन्न होते हुए भी संसारियों के सम्मुख लीला करने के लिए शिव तथा शक्ति भिन्न रूप में दिखाई देते हैं ब्रह्मदेव। शिव की इच्छा तथा आज्ञा से ही आवश्यकता अनुसार शक्ति अवतार धारण करती है। शक्ति सदा शिव की सहचरी है। परंतु शिव शक्ति की अभिन्नता में भिन्नता का रहस्य सामान्य संसारियों की समझ में कैसे आएगा प्रभु? वही लीलाएं करने के लिए ही तो हमने आपको सृष्टि रचना तथा विष्णु देव को सृष्टि पालन का आदेश दिया है ब्रह्मदेव। तो अब वे लीलाएं प्रारंभ कीजिए सदाशिव। जगतवासियों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके धर्म ज्ञान तथा कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत कीजिए परमेश्वर। ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। तथा अस्तु। ब्रह्मदेव, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं शिव की आज्ञा लेकर आपके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जन्म लूंगी। अब आप अपना अपूर्ण कार्य पूर्ण कीजिए। मैं धन्य हुआ माता। भगवान शंकर की कृपा से ब्रह्मा जी के शरीर में शक्ति ने प्रवेश किया और उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग नर का था और दूसरा भाग नारी का। आगे चलकर इसी जोड़े से मनु और शत्रुपा नामक नर और नारी की रचना हुई। नैनों की भ्रिकुटी से शक्ति तब एक प्रगटी थी, ब्रह्मपुत्र था दक्ष की वो जावन बैठी पुत्री।
हुई कल्पना जग में तब जा कर के नारी की। शिव का ही तो शक्ति थी भोले भंडारी की। हुआ समागम नर नारी ब्रह्मा का भार हटा। लगी झूमने सृष्टि में नर नारी रूपी लता। शिव है कल्याणी मंगलकारी मंगल करते। सृष्टि तारण कारण हर पल पल तत्पर रहते। शिव लीला धारी की लीला हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी। सृष्टि की वृद्धि होने लगी। देव गंधर्व किन्नर और मनुष्य अस्तित्व में आए। जहाँ समाज है वहाँ अच्छाई और बुराई भी होगी। इसी के परिणाम स्वरूप असुर और दैत्य भी उत्पन्न हुए। इन्हीं में से एक दैत्य का नाम था तारकासुर, जो ब्रह्मा का वरदान पाकर अमर हो गया और देवलोक में हाहाकार मच गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वत्स तारक, तुम्हारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हो। शांत हो तप की ज्वाला, शांत हो। आंखें खोलो तारकासुर। ब्रह्मदेव प्रणाम। ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने भी प्रण किया था कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं तपस्या की ज्वाला में जलता रहूंगा। अब बताओ तारकासुर, इस कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कृपा करके मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तारकासुर, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। सृष्टि के इस अटल नियम को हम बदल नहीं सकते। यह विधि का अटल विधान है। अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य वरदान मांग लो। आपके कथनानुसार यदि मेरी मृत्यु निश्चित है और आप मुझे अमरता का वरदान देने में असमर्थ है तो कृपा करके मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। बोलो वत्स, अमरता के अतिरिक्त हम तुम्हें कोई अन्य वर देने के लिए वचनबद्ध हैं। मांगो, क्या मांगते? हाँ, यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के हाथों हो। शिव पुत्र के अतिरिक्त और कोई मुझे मार ना सके। तथास्तु तारकासुर, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि शिवपुत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। तारकासुर नामक असुर एक ब्रह्मा से वर पा। जा ललकारा इंद्र देव को स्वर्ग लोक में आ। उसके आगे देव सभी जब स्वर्ग छोड़ भागे। वंदन करते खड़े हुए जा ब्रह्मा के आगे। इंद्र देव बोले भगवन हम पे संकट आया। आपके ही वरदान से तारकासुर है गर्वाया। गर्व नष्ट हो उसका कोई ऐसा जतन करो। हो जाए ये नष्ट असुर भगवन कुछ यत्न करो। ब्रह्मा जी सब देवों को एक युक्ति बतलाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी।
तारकासुर ने देवलोक से सभी देवताओं को भगा दिया और सभी महत्वपूर्ण पदों पर राक्षसों की नियुक्ति कर दी। वो स्वयं देवलोक का राजा बन बैठा। सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी तारकासुर के अत्याचार को रोके, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ होने की संभावना है। नष्ट नहीं कर सकते हम तीनों त्रिदेव से, वरदान लिए हैं तारकासुर ने हमसे कुछ ऐसे। शिव नंदन के हाथों से वो मारा जाएगा, इंद्र देव अति शीघ्र वह शुभ दिन भी आएगा। दक्ष के यज्ञ में महासती ने जीवन त्याग किया, पार्वती का रूप धरा मैना के जन्म लिया। अति शीघ्र शिव पार्वती का मिलन कराओ तुम, जाकर के कुछ यत्न करो शिव को समझाओ तुम। ब्रह्मा जी सब देवों को फिर यह मार्ग बताते हैं, फिर यह मार्ग बताते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी। सच्चाई बहुत कड़वी थी, क्योंकि सच यही था कि तारकासुर का वध ब्रह्मा विष्णु और महादेव में से कोई नहीं कर सकता था। पर विधि का विधान एक तरफा नहीं होता, तारकासुर को भी मरना था। पर तारकासुर का वध केवल एक ही वीर कर सकता था और वो था कार्तिकेय। कार्तिकेय अर्थात शिव जी के पुत्र। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि शिवजी तो अब तक अविवाहित थे। जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक उनका पुत्र कैसे हो सकता है? देवताओं में विचार विमर्श शुरू हो गया। ध्यान मग्न हिम शिखरों पे भोले बाबा बैठे, नित पार्वती पूजन करती फिर भी वो ना देखे। पल पल करके दिन महीने और वर्षों बीत गए, पार्वती के मन की जाकर शिव से कौन कहे। इंद्र देव चिंतित थे पर शिव नयन नहीं खोले, छोड़ के दुनियादारी तप में मग्न हुए भोले। इंद्र देव ने कामदेव को आखिर बुलवाया, तारकासुर से ध्यान मग्न शिव तक सब बतलाया। कामदेव को इंद्र देव तब यूं समझाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी। भगवान की लीला न्यारी है। सती के आत्मदाह के पश्चात उन्हीं का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से हुआ, और इस जन्म में भी उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। पर शिवजी को अभी पार्वती की पूजा अर्चना में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो अपनी साधना में व्यस्त थे। पर देवताओं को धीरज कहाँ था, और उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए कामदेव का सहारा लिया। कामदेव बोला, मैं शिव का ध्यान डिगाऊंगा, शिव पार्वती पे मोहित हो वो बाण चलाऊंगा। रति काम संग आए और वह संत को भी लाए, ध्यान मग्न शिव को देखा मन ही मन मुस्काए। कहा वसंत ऋतु को तुम जा मादक तालावो, हिमखंडों में तरह तरह के उपवन लगाओ। कामदेव की माया से उपवन गुंजार उठा, लगी झूमने वायु भी तन मन झंकार उठा। गुंजन करते भवरे भी चितवन बहकाते हैं,
हो चितवन बहकाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा जूटधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा जूटधारी, जय भोले भंडारी। कांदेव ने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। हिमालय की दुर्गम और निष्ठुर ऊंचाइयों पर अब बदलाव आने लगा। पर शिवजी तो अपनी साधना में व्यस्त थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि अचानक उनके आसपास कैसा बदलाव आने लगा। हिमालय की पहाड़ियां अब बसंत ऋतु की बाहों में थी। बर्फ में दबी हुई कोपले अब अंगड़ाइयां लेकर जाग उठी थी। फूलों पर भंवरे मंडराने लगे। फूलों की सुगंध से सारा वातावरण मादक हो उठा। जब हवा बहती तो तन मन सहला जाती। कामदेव ने अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया। पार्वती जब संध्या पूजन हेतु आती है, शिव चरणों में ध्यान लगा अर्पित हो जाती है। कामदेव ने काम बाण जब शंकर पे साधा, शंभु के मन में पार्वती का आकर्षण ज्यादा। धैर्य छूटता शिव शंकर ने जब अपना देखा, गिर आई मस्तिष्क पे शिव के चिंता की रेखा। किसने मेरे मन में ये विकार जगाया है कौन जो मेरे तप बल के मार्ग में आया है। देखा शिव ने जब कामदेव को समझ बुझाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा जूटधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा जूटधारी, जय भोले भंडारी। जब सारी व्यवस्था कामदेव के मन के अनुसार हो गई, तब कामदेव ने मौका देकर शिवजी के ऊपर बाण चला दिया। शिवजी का ध्यान भंग हो गया और वो ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक से उनके मन में कामुकता कैसे जाग उठी। तो ये तुम थे कामदेव, तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने की दृष्टता की है। अपराध क्षमा हो प्रभु। तुमने हमारी ध्यान समाधि एवं वैराग्य पर प्रहार किया है कामदेव। तुमने रुद्र शिव के रुद्र रूप को जगा दिया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं निर्दोष हूं। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नहीं प्रभु। जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। कामदेव ने जो कुछ भी किया है वो हमारे तथा देवताओं के अनुरोध पर किया है प्रभु। हम सब देवता आपकी दया के पात्र हैं प्रभु। हम तुम्हारे पति का अपराध क्षमा करते हैं रति। प्रभु आप धन्य हैं। और शिव जी एक बार फिर से तपस्या में लीन हो गए। पर बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद देवताओं से दूसरी योजना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर नारद जी
कभी हार नहीं मानते। मात पिता से लेकर आ गया पार्वती वन में, जाकर बैठी ध्यान लगा भोले का वो मन में। घोर तपस्या करते करते बरसों बीत गए, सर्दी गर्मी बरखा जाने क्या क्या विघ्न सहे। 3000 बरसों तक शंकर ने ना ध्यान दिया, पार्वती ने भी तो ये था मन में ठान लिया। एक ना एक दिन तो भगवान को आना ही होगा, स्वीकार निवेदन कर मुझको अपनाना ही होगा। शक्ति के इस दृढ़ निश्चय पे सब शीश झुकाते हैं, सब शीश झुकाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूटधारी, जय भोले भंडारी। जय जटाजूटधारी, जय भोले भंडारी। नारद जी ने चतुराई से काम लिया और सीधे सीधे भगवान शंकर को छेड़ने की बजाय उन्होंने पार्वती को आगे कर दिया। नारद जी की सलाह के अनुसार पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना छोड़कर तपस्या शुरू कर दी। अब सारा का सारा दारोमदार पार्वती की तपस्या पर था, पर नारद जी की इस योजना का क्या परिणाम निकलेगा ये कोई नहीं जानता था। पार्वती के तप की ज्योति से प्रकाश उठा, तप भूमि पे देव चले आए जो पता लगा। घोर तपस्या में रमी हुई पार्वती को जब देखा, शिव से जाकर कहे सभी ने एक संग ये सोचा। महादेव की शरण में देवों की टोली आई, शिव का के तप की बातें एक एक कह बतलाई। दया करो हे दीनानाथ दीनों के हे भगवन, जाकर शक्ति को तारो भगवन शीघ्र करो वरण। जय जयकारे से सब भोले शंकर को मनाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पार्वती की तपस्या गंगा की तरह पवित्र और हिमालय की तरह अटल थी। वो देवताओं की तरह राजनीति नहीं कर रही थी। घोर तपस्या से पार्वती के चारों तरफ एक अद्भुत आभा मंडल उभरने लगा। ऐसा तेज देवताओं ने कभी नहीं देखा था। बहुत संभव था कि भगवान शंकर पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं, पर निश्चित रूप से क्या होगा कोई नहीं जानता था। शिव की आज्ञा ले सप्तर्षि तप भूमि आए, पार्वती के सन्मुख उल्टी शिव गाथा गाए। सुनो हिमसुता शिव फक्कड़ बाबा भस्मी डाले, फिरता है मारा मारा खाने के भी लाले। कौन बात अच्छी है शिव में हमको बतलाओ, छोड़ के उस फक्कड़ को अन्य देव को अपनाओ। क्रोधित होकर पार्वती बोली बाबा जाओ, मुझको ना चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाओ। मेरे अंतर को तो शिव शंभु शिव शंकर भाते हैं, ओ शिव शंभु भाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पार्वती की तपस्या में कोई कमी तो न थी, पर भगवान शंकर के मन में शंका थी। क्या पार्वती उन्हें सचमुच चाहती है या दाल में कुछ काला है, यही दुविधा उनके मन में थी। और यही जानने के लिए उन्होंने सप्तऋषि को पार्वती की सच्चाई जानने के लिए भेजा, और यहीं से
शिव गाथा में एक नया मोड़ आता है। सप्त ऋषि जाकर भोले बाबा से कहते हैं, शिवका के अंतर में भगवान आप ही रहते हैं। विनती करते हैं भगवान जाकर दर्शन दे दो, पार्वती के तप का उसको उत्तम फल दे दो। अंतिम परीक्षा लेने है तू ब्राह्मण रूप को धर, पहुंच गए शिव शंकर भोले उस तप भूमि पर। बोले हे देवी तुम किस कारण तप करती हो, कौन देव है जिसका तुम नित नित जप करती हो। कौन देव देवी तेरे मन को लुभाते हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तुम्हारा प्रदीप्त मुखमंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अवश्य कोई राजकन्या हो। हमने इस ओर आते आते सुना था कि हिमालय राज की सुपुत्री गिरजा पार्वती किसी विशेष उद्देश्य से यहां घोर तप कर रही है। कहीं तुम वही तो नहीं हो देवी? गुरुजनों ने कहा है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती, फिर भी यदि आप मुझे अपने विषय में कहने के लिए विवश कर रहे हो तो मैं ही हिमालय सूता गिरिजा पार्वती हूँ। देवी, इस एकांत पर्वत शिखर पर इस प्रकार एकाकी रहकर घोर तपस्या करने का उद्देश्य? मैंने निश्चय किया है कि मैं महादेव शिव शंकर को अपने पति के रूप में पाकर रहूंगी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देवी, इस भभूतधारी शमशानवासी भूत पिशाचों के देवता भूतनाथ को अपने पति के रूप में पाना चाहती हो? श्री हरि, इस अवधूत के लिए भला क्यों अपना कोमल तन सुखा रही हो देवी? ऐसे भिक्षुक तो हिमालय राज के द्वार पर यूं हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी? देवों के देव महादेव को आप भिक्षु कह रहे हैं? महादेव शिव शंकर के प्रति ऐसे ऐसे अशोभनीय वचन कहने का आपको साहस कैसे हुआ? श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देवी, सत्य वचन कहने के लिए जिस साहस की अपेक्षा होती है वो मुझमें है। मैं तो केवल तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। एक राजकन्या होकर एक कुलहीन वंशहीन ग्रहहीन शिव से विवाह की कल्पना से ही मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है देवी। बस ब्रह्मचारी बस, आप मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। मेरे एकमात्र आराध्य स्वामी शिव शंकर हैं। किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा सुनना मेरे लिए पाप है। देवी, जिस शिव का कंठ विष से जलकर नीला पड़ गया, जो तन पर चिता भस्म लपेटे रहते हैं, जिनका त्रिनेत्रधारी ललाट सदा भय उपजता रहता है, जिनके गले में पड़े फुनकारते विषधरों के कारण कोई उनके समीप जाने का साहस नहीं करता, तुम उस शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हो? सावधान हो जाओ देवी, तथा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। महापात्मा ब्रह्मचारी, तूने मेरा तप भंग किया है, मेरी साधना खंडित की है। जा, तुझे मैं शाप देती हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सदा ही सुंदर होता है। पार्वती की तपस्या परम सच्चाई थी और इसीलिए सुंदर भी थी। भगवान शंकर के सामने इस समय वो कन्या खड़ी थी जिसका तीनों लोकों में कोई मुकाबला नहीं था। भोली भाली पार्वती ये नहीं जानती थी कि घोर तपस्या ने उन्हें देवी बना दिया था और उनका भीषण तेज केवल महादेव ही सहन कर सकते हैं। महादेव के सामने और कोई मार्ग नहीं था। लुका छिपी का खेल अब बहुत हो चुका, सत्य को सामने आना ही था। दिव्य रूप में भोले शंकर दर्शन देते हैं, देखे दर्शन पार्वती को प्रसन्न करते हैं।
सुनो प्रिया तुम सफल रही, हम हार गए तुमसे। अपने मन में जो भी हो वो वर मांगो हमसे। हाथ जोड़ कर शिवका ने चरणों में शीश धरा। पत्नी रूप में स्वामी करिए आप वरण मेरा। मैं ही तो दक्ष सुता हूँ स्वामी, युग युग से प्यासी। पार्वती धर रूप में आई चरणों की दासी। मन वांछित वर दे भोले बाबा वापस आते हैं, बाबा वापस आते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। पार्वती सखियों संग वापस महलों में आई। मैना ने देखा पुत्री को तो वो हर्षाई। नारद जी हिमवान को अशुभ बात सुनाते हैं। उत्तम वर शिव को शिव का है तू बतलाते हैं। नारद जी से फिर हिमवान बोले मुनिवर सुनिए। पार्वती के लिए ताज कांटों का ना बुनिए। कहाँ सुकोमल कन्या मेरी कहाँ वो शिव शंकर। भूत प्रेत रखता संग में गल डाले जो विषधर। ऐसों के हाथों कन्या दे वो नरक में जाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। नारद जी की युक्ति काम आ ही गई। छल को छल से, खल को खल से और सच्चाई को सच्चाई से जीता जा सकता है। पार्वती की तपस्या एक सच्चाई थी और शिव जी का निरालापन भी एक सच्चाई था। नारद जी ने सच्चाई को सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया और इसका परिणाम भी अच्छा ही हुआ। सुनिए राजन, शिव ने ही संसार रचाया है। ब्रह्मा विष्णु सुर असुर सब उनकी माया है। पार्वती थी पूर्व जन्म में दक्ष सुता सती। पार्वती ने मान लिया शिव को मन से पति। सृष्टि के उद्धार में आप यूं अड़चन ना बनिए। मन में जो है व्यर्थ कब है राजन उसको तजिए। शिव शक्ति का मिलन सदा ही सुख पहुंचाता है। परम पिता परमेश्वर शिव और शक्ति माता है। हिमवान को नारद जी सब कुछ फिर यूं समझाते हैं, हाँ यूं समझाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। देवताओं ने राहत की सांस ली। नारद जी ने पार्वती के माता पिता की शंका दूर कर दी। देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, मानो स्वयं उनका ही विवाह हो रहा हो। और उधर पार्वती के घर विशेष उत्सव का वातावरण था। हर तरफ भाग दौड़ हो रही थी। पुरोहित बुलवाए गए, बेटी की शादी थी, लगन निकाला गया और शिव जी को संदेश भेजा गया कि हे दीनानाथ, हे परमेश्वर, हमारी कन्या का वरण करो, बारात ले आओ। हिमवान
और मैं नारानी की शंका दूर हुई। शिव और पार्वती विवाह की तैयारी पूर्ण हुई। राज पुरोहित गर्ग के हाथों लग्न पत्रिका भेज, उत्तम मुहूर्त निकलाया भेजा शिव को संदेश। मेरी पुत्री का वरण करो देवों के देवेश्वर, निश्चित मुहूर्त मेले बारात पधारो महेश्वर। सुन शुभ संदेश कैलाश में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई, नाच नाच कर नंदी और गण बाटे बधाई। कैलाश पे नंदी झूम झूम के खुशी मनाते हैं, हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। नारद जी अपने जीवन में कभी इतना व्यस्त नहीं रहे जितना शिव और पार्वती के विवाह के चक्कर में। एक समस्या निपटती तो दूसरी सामने आ जाती, लेकिन नारद जी भी अपनी योग्यता से सभी बाधाओं को दूर हटाते रहे। उधर पार्वती के घर मंगल गीत गाए जा रहे थे और इधर शिव जी के घर मेहमानों और बारातियों की अंतिम सूची का कार्य चल रहा था। देवता, महर्षि, ऋषि मुनि, गंधर्व और भूत प्रेत सभी को न्योता भेजा जा रहा था। नारद जी बहुत व्यस्त हैं। नारद जी से शिव शंकर बोले सुनिए मुनिवर, सबको दो न्योता सुर नर मुनि जन असुर देव किन्नर। भूत प्रेत गणवादी कोई भी ना रह पाए, शिव पार्वती विवाह में सपरिवार सभी आए। पूर्ण रूप से कार्य तुम्हें नारद ये करना है, कह दो राक्षस डायन पिशाचन सबको चलना है। बारात हमारी हो ऐसी जो देखी सुनी ना हो, सब कार्य भार है तुम पे कोई कहीं कमी ना हो। विवाह उत्सव में नारद नंदी लग जाते हैं, वो नंदी लग जाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। हरियाला बनना आएगा, दुल्हन को ले जाएगा। पार्वती के घर का कोना कोना शहनाई की मधुर तान से गूंज रहा था। हर ओर फूलों की महक व्याप्त थी। पार्वती की सखियों का उत्साह अपने चरम पे था। मेहंदी, हल्दी, उपटन, महावर, बिंदिया, चूड़ियां, गजरे और ढेर सारे गहने, शादी का जोड़ा पहने पार्वती दुल्हन बनने जा रही थी। और इस अलौकिक दुल्हन को एक नजर देखने के लिए सभी देवी देवता व्याकुल हो रहे थे। हिमवान के घर भी धूमधाम से होने लगी तैयारी, दिव्य रूप धर आए ऋषि पर्वत नदियां सारी। सखियां मेहंदी उबटन पार्वती को लगाती है, आएगा हरियाला वन्ना गाना गाती है। बिंदिया, झुमका, कंगना और पांवों में पैंजनिया, कर 16 सिंगार सजाती हैं सब दुल्हनिया। शक्ति के रूप की व्याख्या ऐसी वर्णी ना जाए, शिव शिव का जैसी जोड़ी ढूंढे से ना पाए। मंगलाकारी दुल्हन के मंगलाचार कराते हैं, हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। जय जटा जूट धारी, जय भोले भंडारी। शुभ मुहूर्त और मंगल घड़ी में
भगवान शिव की बारात पार्वती के घर की ओर प्रस्थान कर रही थी। अपनी सवारी नंदी पर विराजमान शिव जी बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके एक और ब्रह्मा और एक और विष्णु और आगे पीछे अनगिनत बाराती थे। सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न थे क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था और उनकी अभिलाषा पूरी हो रही थी। बाएं विष्णु दाएं ब्रह्मा बीच में महेश्वर आगे पीछे चंवर ढुलाते सारे सुरेश्वर शीश मुकुट अंगों पे विषधर शोभा पाते हैं दिव्य रूप में भोले शंकर सबको लुभाते हैं पीछे पीछे इंद्र देव ऐरावत पे चढ़ के पुष्पों की वर्षा करते हैं शिव पे रह रह के नारद वीणा के तार छेड़ते नंदी ताशों पे झूम झूम के ताल मिलाते गणपद चापों से बाराती जय जय शंकर का उद्घोष लगाते हैं उद्घोष लगाते हैं शिव शंकर डमरू वाले की अलक जगाते हैं हम कथा सुनाते हैं जय जटा झूठधारी जय भोले भंडारी भगवान शंकर समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सभी जीव जंतु उनके अधीन हैं। उनकी विलक्षण बारात में देवी देवता ऋषि मुनियों के अलावा भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भी सम्मिलित क्योंकि इनके बिना भगवान शिव की बारात अधूरी होती क्योंकि भगवान शिव एकमात्र ही ऐसे देवता हैं जो अंधकार और प्रकाश अच्छाई और बुराई विष और अमृत देव और दैत्य सभी को एक साथ लेकर और उनसे सामंजस्य बनाकर चलते हैं। डाकिनी और पिशाचिनी तो ठुमके पे ठुमका दे लूट रहे आनंद सभी तो नाच नाच करके भंग की मस्ती में डूबे सब झूमते गाते हैं तरह तरह के राग और आलाप लगाते हैं कोई किलकारी मारे जोर से और कोई रोता कोई हंसता तो कोई चलता चलता है सोता बैल पे दूल्हे राजा के भी अजब नजारे थे कर से त्रिशूल और डमरू के करते डमकारे थे सब अनुपम शिव की छवि देख कर मग्न हो जाते हैं हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं हम कथा सुनाते हैं जय जटा झूठधारी जय भोले भंडारी बारात के आगमन की सूचना पार्वती के घर पर पहुंच जाती है और सभी भगवान शंकर की एक झलक पाने को आतुर थे। सभी को बहुत उत्सुकता थी ये देखने के लिए कि कैसा है वो दूल्हा जिसे पाने के लिए पार्वती ने इतनी घोर तपस्या की थी। परंतु सबसे ज्यादा उत्सुक थी पार्वती की माता मेना और उन्होंने नारद जी से ये प्रार्थना की कि महादेव के दर्शन करा दे। नारद जी उनका ये आग्रह सुनकर तनिक चिंतित होते हैं। नारद जी के ठाट बाट तो सबसे न्यारे थे वर वधु पक्ष दोनों को ही वो लगते प्यारे थे अपनी माया से दोनों और आनंद लुटाते हैं सब छोटी छोटी बातें मुनिवर से पूछते हैं कर प्रणाम यूं मैं नारानी नारद से बोली शिव दर्शन की इच्छा मन में थी वो तब खोली बोली मुनिवर जा माता के दर्शन करवा दो
बहुत सुनी है महिमा जिनकी उनसे मिलवा दो। मंद मंद मुस्काना नारद शिव दर्श कराते हैं, शिव दर्श कराते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जिसके विषय में हमने सुना है, देखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की काल्पनिक छवि हमारी मस्तिष्क में बन जाती है। भगवान शिव के बारे में सुना था कि वो एक सन्यासी हैं, गले में विषैले नाग और भभूत लपेटे रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। पार्वती की माता के मन में भी शिव जी को लेकर एक ऐसी ही छवि बैठी हुई थी, और जब उन्होंने शिव जी को बारात में देखा तो वो सन रह गई। ये कैसा दूल्हा, क्या इसी से मेरी फूल जैसी बेटी का विवाह होगा? कदापि नहीं। वैसे कांप उठी रानी जो देखे वाराती, क्या भूत प्रेत पिशाच डाकिनी है शिव के साथी। शिव को जब देखा तन भस्मी भागम भर डाले, बिखरे बिखरे केश और तन पे विषधर काले। व्याकुल हो रानी महलों में वापस आती है, विवाह रोकने का मैना प्रस्ताव उठाती है। विकराल भयंकर शिव के संग ना ताना जोड़ूंगी, ऐसे को बेटी दे बेटी का भाग न फोड़ूंगी। हट कर बैठी मैं नारानी को सब समझाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिने देखी तैसी। पार्वती की माता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और यही बात उन्हें विष्णु जी समझाते भी हैं। प्रभु तो नित्य और निराकार है, जैसी कल्पना करोगे वो वैसे ही दिखेंगे। श्रद्धा से देखोगे तो सुंदर दिखेंगे, प्रेम से देखोगे तो दया का सागर लगेंगे, और शंका से देखोगे तो डर भी जाओगे। इस बार पार्वती की माता ने श्रद्धा से शिव जी की ओर देखा, और वो आकर्षक दिखाई दिए। सर्वांग सुंदर, सुशोभित, मनोहर और अलंकृत, दिव्य और अद्भुत। पार्वती की माता की दुविधा दूर हुई, और शिव और पार्वती का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। जब श्री हरि को पता लगा वो महलों में आकर, मैना रानी से कहते हैं तब यूं समझा कर। अनेक रूप हैं शिव के देवी, अद्भुत है माया। जिसने जैसा देखा शिव को ऐसा ही पाया। श्री हरि संग ले मैना शिव को दर्श कराते हैं, दिव्य रूप में भोले जी दर्शन दिखलाते हैं। कामदेव से भी सुंदर थे भोले भंडारी, एक पल में मैं नारानी की मिटी दुविधा सारी। विवाह पूर्ण शिव शिव का सब देव कराते हैं, हो सब देव कराते हैं। शिव शंकर डमरू वाले की हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा झूठधारी, जय भोले भंडारी। शिव और पार्वती का परिणय संस्कार
सकुशल संपन्न हो गया। योगी और एकांतवासी महादेव को घर गृहस्थी के चक्कर में फंसना ही पड़ा। देवी देवता विशेष रूप से प्रसन्न थे क्योंकि पार्वती अपने ससुराल कैलाश में थी और अब बस प्रतीक्षा थी एक संतान की, वो संतान जो तारकासुर का वध करेगी और देवी देवताओं को उनका अधिकार वापस मिलेगा। प्रतीक्षा की घड़ियां हमेशा लंबी होती हैं, यहां भी और वहां भी। दुल्हन बन के पार्वती कैलाश पे जब आई, खुशियों की बदली कैलाश पे लह लह के लहराई। शिव शक्ति का मधुर मिलन ही था जग हितकारी, कार्तिकेय का जन्म हुआ देवों हित शुभकारी। पांच बरस के शिव नंदन सबको लुभाते हैं, ब्रह्मा विष्णु देव सभी शिव सम्मुख वाते हैं। करके वंदन बोले भगवान शुभ दिन वो आया, होगा कुमार के कर से तार कसुर का सफाया। हम हे शिव नंदन तेरी जय जयकार लगाते हैं, शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जगा जूट धारी जय भोले भंडारी, जय जगा जूट धारी जय भोले भंडारी। कार्तिके, जी हाँ, यही नाम रखा गया उस पुत्र का जो शिव और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड की दो महान शक्तियों के मेल से जिसका जन्म हो उसे भला कौन पराजित कर सकता है। तारकासुर, जिसका वध ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिलकर भी नहीं कर सकते थे, उसका वध एक बालक करेगा। देवताओं की व्यापक योजना कई चरणों से होते हुए अपनी परिणति की ओर बढ़ रही थी। माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी थी और युद्ध की औपचारिक घोषणा हो गई। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय, असुर राज तारकासुर की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, असुर राज तारकासुर की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। बालक ये बालक मेरा वध करेगा। असुर शत्रु काय और देवताओं, इस बालक के पीछे छुपकर क्यों खड़े हो? मेरे सभी भाव आओ। हाँ, यदि साहस है तो आगे आकर हमसे युद्ध करो, अन्यथा इस बालक के साथ साथ तुम सबको समाप्त कर दूंगा। तारकासुर, अब तेरा अंत समीप आ गया है। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो भगवान शिव की शरण में जा, उनसे अपने जीवन की भिक्षा मांग। तू देवताओं का सेनापति बनकर आया है। आज मैं तुझे समाप्त करके ब्रह्मदेव के वरदान को असत्य कर दिखाऊंगा। कुमार कोरण में जाने की शिव आज्ञा देते हैं, देवों की सेना का संचालन शिव सुत करते हैं। बजा के रण भेरी युद्ध का ऐलान हुआ भारी, आए रण भूमि में रण करने की करके तैयारी। लेकर सेना तार कसुर इतराता गर जाता, भाले बरछी तीर और तलवारों को बरसाता। इंद्र बिठावे रावत पे कुमार को ले आगे, शिव नंदन के युद्ध कौशल से थे असुर सभी भागे।
शिव सुत में शिव का रूप देख सब थर थर राते हैं, सब थर थर राते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटा जूटधारी, जय भोले भंडारी। जय जटा जूटधारी, जय भोले भंडारी। एक तरफ ताड़कासुर और उसकी राक्षसी सेना और दूसरी ओर देवताओं की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शिव, पार्वती, कुमार, कार्तिकेय। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के कोलाहल से तीनों लोक कांप उठे। तंत्र मंत्र माया सब उसे आते थे। ऐसा कोई शस्त्र नहीं था जिसे वो चलाना न जानता हो। राक्षसी सेना उसके साथ थी, ब्रह्मा का वरदान उसके साथ था, पर क्या ताड़कासुर का कोई भी जौहर काम आया? असुर ताड़कासुर मार गए।
हमें अपने स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। भागो भागो। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर संहारक कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर का एक भी जौहर काम नहीं आया, विफल हो गए अस्त्र शस्त्र, यह देख वो घबराया। रथ से नीचे आ जब वो शिव नंदन पे झपटा, पकड़ भुजा शिव नंदन ने ऐसा उसको पटका। छिन्न भिन्न हो गए अंग एक ही पटकी खाके, संयम की सांसें ली थी देवों ने तब जाके। दसों दिशाओं में शिव सुत के जयकारे गूंजे, हुआ तारकासुर का वध, कुमार गए पूजे। जितनी भी कह ले शिव की गाथा कम ही पाते हैं, हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी, जय जटाजूट धारी, जय भोले भंडारी, जय जटाजूट। और तारकासुर कार्तिकेय के हाथों मारा गया। विधि का विधान अटल है, इतिहास गवाह है कि हर अभिमानी का अभिमान टूटा है, हर पापी का नाश भी हुआ है। क्योंकि ये दुनिया एक छलावा है, यहाँ केवल एक ही सत्य है और वो है परमात्मा। हम उसे कोई भी नाम दे दें, उसका कोई भी रूप रख लें, पर वो है केवल एक ही, वही ओमकार, वही एकेश्वर, वही महेश्वर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। माता महेश्वरी उमा की जय। तारकासुर संहारक देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आओ पुत्र, महादेव आपके आशीर्वाद से कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ उसके अत्याचारों का भी अंत कर दिया। स्वर्ग असुरों की मलिन छाया से मुक्त हुआ, आपके कृपा से देवता निर्भय हुए। महादेव प्रभु, कार्तिकेय ने वो कर दिखाया जो वज्रधारी इंद्र तथा देव सेना के लिए सदैव असंभव था। भोलेनाथ तथा माता पार्वती, आपके कृपा के बिना देवताओं का उद्धार कदापि संभव नहीं था। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सबकी प्रतीक्षा तथा यातनाओं का अंत हुआ, हमें भी अपार हर्ष है देवराज।